के कुंभ मेले में नरेंद्र नगर, ऋषिकेश बाईपास, मुनिकीरेती, देहरादून मार्ग पर वन चौकी शामिल, हरिद्वार से रुड़की की ओर 13 किलोमीटर तक मार्ग में बलक क्षेत्र कुंभ मेला भी शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शासन ने हरिद्वार कुंभ की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ मेले का आयोजन होगा, जिसमें तीन शाही स्नान होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 12 अप्रैल 14 अप्रैल 27 अप्रैल को 3 शाही स्नान होंगे। बता दें कि हरिद्वार से रुड़की की ओर 13 किलोमीटर तक मार्ग वाला क्षेत्र कुंभ मेले में शामिल किया गया है। वहीं 12 अप्रैल 14 अप्रैल 27 अप्रैल को 3 शाही स्नान होंगे। तो कुंभ मेले में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसको लेकर के अधिसूचना शासन ने जारी कर दी है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर के सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वहीं 12 अप्रैल 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को 3 शाही स्नान है। बता दें कि इस दौरान कोरोना के तमाम नियमों का पालन भी देखने को मिलेगा। वहीं इस बार समय अवधि घटा दी गई है कुंभ मेले को लेकर के। वहीं अब शासन ने हरिद्वार कुंभ की अधिसूचना भी जारी कर दी है। कुंभ मेले में नरेंद्र नगर, ऋषिकेश बाईपास, मुनिकीरेती, देहरादून मार्ग पर वन चौकी भी शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, हरिद्वार के कुंभ को बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, जिसको लेकर के नई अधिसूचना जारी की गई है, क्या कुछ खास है इस नई अधिसूचना में? जी प्रगति, बात कहें तो जो महाकुंभ 2021 है, उसके लिए आज राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महाकुंभ मेला यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसकी अगर सीमाएं कहें तो यहाँ नीलकंठ महादेव कहें तो यहाँ से लेकर और भाद्रपद हरिद्वार से करीब 13 किलोमीटर आगे तक इसकी सीमाएं तय की गई है। और इसमें 3 शाही स्नान रखे गए हैं, जिसमें 12 अप्रैल 14 अप्रैल 27 अप्रैल को शाही स्नान यहाँ पर हर की पौड़ी पे होगा। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो ये मेला 3 से 4 महीने का होता है, 1 महीने में सिमट कर रह गया, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। बीच में कोरोना काल का भी और देखा जाए तो पिछले लगभग 10-12 दिन से फिर कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए सिर्फ 1 महीने तक सीमित किया गया। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कई चीजें भी की गई हैं कि अब जो भी कोई बाहर से आएगा, क्योंकि अन्य राज्यों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए 72 घंटे की आपको रिपोर्ट लानी पड़ेगी, नहीं तो आपको कोविड वैक्सीन का जो टीका है वो लगा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर स्नान करने आ सकते हैं। ये आदेश भी राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए। बिल्कुल कमल जी, इस दौरान हालांकि आवागमन पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन नई अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसको लेकर के 3 बड़े शाही स्नान को इस अधिसूचना के तहत शामिल किया गया है। 12 अप्रैल 14 अप्रैल 27 अप्रैल को 3 बड़े शाही स्नान होंगे। चूंकि हरिद्वार में जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसकी समय अवधि भी घटा दी गई है, 1 महीने का ये समय रह गया है कुंभ मेले के लिए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। कैसे कोरोना को कंट्रोल करेगी भीड़ को देखते हुए, कोरोना कैसे कंट्रोल हो पाएगा और भीड़ को कैसे सुरक्षा के साथ शाही स्नान में शामिल किया जा सकेगा? जी बिल्कुल सही बात है प्रगति, और बात कहें तो ये जो मेला था ये जनवरी से स्टार्ट होता था और लगभग अप्रैल माह तक लास्ट तक चलता था, लेकिन कोरोना काल लगातार बढ़ता गया, इसको देखते हुए तो सीमित किया गया है। वहीं अगर बात करें तो कोरोना के कैसेज का बचाव होगा, मैंने आपको बताया कि पहले जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने थे तीरथ सिंह रावत, इन्होंने स्पष्ट आदेश दिए थे कि किस तरह से कुंभ मेला को भव्य बनाया जाए, पर उस टाइम केसेज इतने नहीं थे, पर सारी छूट दे दी गई थी कि आप बिना कोरोना टेस्ट के यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन पिछले अगर बात करें तो पिछले 10-15 दिन से अन्य राज्य, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ लगातार केसेज बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए दोबारा फिर एक निर्णय लेना पड़ा राज्य सरकारों को कि जो भी अब यहाँ पर कुंभ मेले के दौरान यहाँ पर आएगा अन्य राज्यों से, तो उसकी 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए कोरोना की, नहीं अगर कोरोना की रिपोर्ट नहीं है तो उसको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, वही यहाँ पर आ सकता है। तो इसके लिए कई चीजें
चेंज किए गए हैं, कहीं परिवर्तन किए गए हैं कि जिससे यहाँ पर लोग आ भी सकें और अब कोरोना से भी बच सकें और यहाँ पर आके जो 12 साल बाद यहाँ जो कुंभ मेला आता है उसकी माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा सके। तो इसके लिए लगातार जो मेला प्रशासन, राज्य सरकार है, जो अन्य विभाग है, लगातार इसलिए चौकस बने हुए कि कुंभ मेला भी सुरक्षित हो जाए, लोग भी आए और कोरोना के केसेस भी ना पड़े। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन, मेला प्रशासन जितनी भी है, सबने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमल जी, चूंकि तीन शाही स्नान बताए गए हैं इस दौरान कुंभ मेले के दौरान, कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान अखाड़ों का भी समय निर्धारित किया गया है, 7 अखाड़ों का समय निर्धारित किया गया है कि कौन से समय में कौन से अखाड़े के साधु संत इस दौरान स्नान करेंगे। क्या साधु संतों के स्नान के साथ आम श्रद्धालुओं का स्नान भी मुमकिन हो पाएगा? जी प्रगति, अगर बात कहें तो यहाँ जो 7 अखाड़े में है, ये जो शाही स्नान होते हैं, तो इतने साधु संतो नागा साधु होते हैं, ये आके अलग अलग स्नान करते हैं और इनको अलग अलग टाइम दिया जाता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर सबको इकट्ठे बनाए तो आपस में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति हो जाती है, तो इसलिए सुबह 4 बजे से अलग अलग सबको स्थान दिया जाएगा। एक एक करके अखाड़ा आएंगे, पहले दूसरा अखाड़ा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते हैं। जब सारे अखाड़े स्नान कर लेंगे, जब सारे साधु संत स्नान कर लेंगे, उसके बाद दोपहर बाद आम जनता के लिए स्नान खोला जाता है, क्योंकि जब ये अखाड़े होते हैं तब दूसरा कोई आम आदमी स्नान नहीं कर सकता, विवाद की स्थिति हो जाती है। जब सारे शाही जितने भी अखाड़े हैं, जब सारे लोग स्नान कर लेंगे और अपने अपने आश्रमों में, अपने बैरकों में जब चले जाएंगे, उसके बाद जो आम जनता है उसको परमिशन दी जाती है। तो ये प्रथा अब से नहीं, ये शुरू से रही है कि जिससे विवाद की स्थिति न पैदा ना हो। बिल्कुल कमल जी, चूंकि अब बहुत ही सीमित समय बचा है महाकुंभ को लेकर के, क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्या कुछ तैयारियां अभी भी बाकी हैं जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है? बिल्कुल सही बात है प्रगति, अगर बात करें तो ये जो व्यवस्थाएं मैंने आपको बताया कि ये काफी पहले से शुरू हुई थी, लेकिन जब कोरोना काल हो गया, वहां लॉकडाउन लग गया, तो उन व्यवस्थाओं सारी रुक सी गई है। उसके बाद जब जनवरी में कुंभ मेला ना होता, नहीं किया गया, उन्होंने कहा फरवरी करें, मार्च में करेंगे, तो अब अप्रैल में अधिसूचना जारी की है। तो अगर देखा जाए तो अप्रैल से ही राज्य सरकार ने कुंभ मेले को माना है 1 से 30 अप्रैल तक, तो व्यवस्थाएं करी है। बीच में जब लॉकडाउन खुल गया तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं शुरू हुई है, सड़कों का काम किया गया और उन्होंने व्यवस्थाएं की कि जो लोग बाहर से उनके रहने की व्यवस्था की, तो काफी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, पर ये सीमित रखा गया, 1 महीने का सिर्फ कुंभ रखा गया है। जो अखाड़े के लोग हैं उनकी अलग अलग व्यवस्था की, साधु संतों को आश्रम में भी रखा गया, कुछ अन्य जगह भी दी गई है। तो मेला प्रशासन ने यही प्रयास किया है कि सारी व्यवस्थाएं भी ठीक आ जाए, आम आदमी स्नान करे, शाही स्नान भी ठीक हो जाए, कोरोना केसेज न बढ़े, इसके लगातार जितना जिला प्रशासन, मेला प्रशासन, राज्य सरकार है, अन्य विभाग, सभी एकदम अलर्ट मोड पे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे।